नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज लेकर आया हूं वेरी शॉर्ट स्टोरी। जी हाँ, बहुत ही छोटी स्टोरी है, बहुत जल्दी इसकी एंड हो जाएगी, लेकिन यहां पे आपको बता दूं बहुत ही अच्छी स्टोरी है और नए नए वर्ड्स की वोकैबुलरी तो आपको मिलने ही वाली है, मीनिंग आपको जानने को यहां पे मिलेगी। यहां पे देखते हैं, स्टोरी का टाइटल है द स्नेक एंड द फूलिश डिसाइपल, सांप और मूर्ख शिष्य। ठीक है, डिसाइपल यानी होता है शिष्य, और यहां पे आप देख सकते हैं सांप है, डिसाइपल है शिष्य, और यहाँ पे गुरु है, उनके टीचर है। होता क्या है जल्दी से देख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे देखिए लंबाई में है तो भी मैंने जूम किया ताकि अच्छे से, थोड़ा सा इस प्रकार से पेज को मैं मूव करूंगा तो भी आपको अच्छे से दिख जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं, पसंद आने में प्लीज लाइक करेंगे। वंस एक बार अ टीचर हैड मैनी डिसाइपल्स, एक शिक्षक के पास, ठीक है, हेड किसी के पास कुछ चीज था, क्या था, बहुत से शिष्य थे। ठीक है, एक शिष्यक के बहुत से शिक्षक के बहुत से शिष्य थे, गुरु के शिष्य थे। अमंग देम वॉज अ फूलिश डिसाइपल, अमंग अमंग यानी के बीच में, बिटवीन यानी दो लोग के बीच में, और दो से ज्यादा होते तो अमंग बोलते हैं, यानी उनमें से, है ना, जो बहुत सारे शिष्य थे उनके बीच में से, देम उनके बीच में से वॉज यानी था, अ फूलिश यानी एक मूर्ख डिसाइपल, एक मूर्ख शिष्य था, जितने भी शिष्य थे तो एक मूर्ख शिष्य था। द टीचर थॉट, शिक्षक ने सोचा, थिंक यानी सोचना, उसका पास्ट एंड थॉट, एवरी बींग कैन लर्न, एवरी यानी हर कोई, बींग यानी क्या होता है, प्राणी जीव, उसे हम बींग बोलते हैं, हर प्राणी कैन यानी सकना, ठीक है, लर्न यानी सीखना, तो ये क्या हो जाएगा, हर प्राणी सीख सकता है, ठीक है, कोई भी प्राणी सीख सकता है। आई एम श्योर, मुझे पक्का है, श्योर यानी मैं निश्चित हूं, पक्का हूं, आई कैन मेक दिस डिसाइपल अ लर्न मैन, आई कैन मेक, मैं कर सकता हूं, ठीक है, आई कैन मेक यानी मैं बना सकता हूं, मेक यानी बनाना, तो आई कैन मेक यानी मैं बना सकता हूं दिस डिसाइपल, इस शिष्य को, अ लर्न मैन, एक लर्न यानी होता है शिक्षित या फिर विद्वान, मैन यानी आदमी, एक विद्वान आदमी या फिर शिक्षित व्यक्ति बना सकता हूं मैं शिष्य को, गुरु को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। फिर क्या हुआ, वन डे, एक दिन, द टीचर सॉ, शिक्षक ने देखा, सी का पास्ट एंड सॉ, ठीक है, देखा, अ स्नेक, एक सांप को, एंड सेड, और कहा, सांप को देख के क्या कहा, देखिए, टू द फूलिश डिसाइपल, किसे कहा, मूर्ख शिष्य को कहा, क्या कहा, देखिए, शिष्य को सांप को दिखाते हुए, लुक, देखो, ठीक है, लुक यानी देखो, दिस स्नेक लुक्स लाइक अ लॉन्ग रोप, ये सांप दिखता है, लुक्स यानी दिखता है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, ऐसे ईएस जुड़ता है ना, तो ता है, ती है, ऐसे बन जाता है, सब में नहीं जुड़ता, उसका रूल अलग है, तो मेरे वीडियो देख लेंगे आप टेंस वाले में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे ईएस लगता है तो ता है, ती है, ऐसे हो जाता है। This snake looks, ये सांप दिखता है, like यानी जैसे, a long rope, एक लंबी रस्सी, rope यानी रस्सी, एक लंबे रस्सी की जैसे, लंबी रस्सी की जैसे ये सांप क्या होता है, दिखता है। The teacher made this comparison to show the length of snake, ठीक है, तो शिक्षक ने क्या किया, the teacher made this, यानी शिक्षक ने क्या किया, comparison यानी ये जो तुलना, comparison यानी तुलना किया, टू शो यानी दिखाने के लिए, भाई वो उसने क्यों दिखाया उस सांप को कि रस्सी के जैसे लंबा है, ये दिखाने के लिए किया, तुलना करने के लिए, कंपेरिजन करने के लिए, द लेंथ ऑफ द स्नेक, द लेंथ यानी होती लंबाई, ऑफ द स्नेक, सांप की लंबाई दिखाने के लिए बताया था कि भाई ये देखिए इतना लंबा जो सांप है ना, ये लंबी रस्सी की जैसी है, तो इस टाइप का ही लंबा लंबा सांप होता है, लंबे लंबे सांप होते हैं, ये बताने के लिए उन्होंने कंपेरिजन किया था। The foolish disciple kept quiet. मूर्ख शिष्य kept यानी रहा, ठीक है, keep यानी रखना, kept यानी रखा, क्या रखा, quiet यानी चुप, शांत, तो ये क्या हो जाएगा, तो जो मूर्ख शिष्य था शांत रहा, ठीक है, क्या रखा उसने, चुपचाप रहा, समझ लीजिए, अब वो भैया शांति रखी, चुपचाप, कुछ नहीं बोला, जबकि बोला जाता है कोई भी डाउट हो ना तो पूछ लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, चिल्लाएंगे ज्यादा से ज्यादा समझ नहीं आता, लेकिन समझाएंगे तो पूछना चाहिए, उसने नहीं पूछा, चुप हो गया। फिर क्या हुआ, वन डे, एक दिन, द टीचर आस्क द फूलिश डिसाइपल, शिक्षक ने कहा, ठीक है, किसी को कुछ करने के लिए हम कुछ निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर किसी को ऑर्डर देते हैं, ये चीज करो, तो भी हम आस्क का यूज करते हैं,
तो शिक्षक ने क्या कहा, देखिए क्या करने के लिए कहा, द फूलिश डिसाइपल, मूर्ख शिष्य को, टू गेट हिम अ लॉन्ग रोप, टू गेट हिम यानी उसे लाने के लिए, अ लॉन्ग रोप एक लंबी रस्सी लाने के लिए कहा, जाओ भाई लंबी रस्सी लेकर आओ, तो उसे ऑर्डर दे रहे हैं, इसलिए यहां पर आस्क का यूज किया, पूछा नहीं है ना, यहां पे शिक्षक ने पूछा कि लंबी रस्सी लाओ, पूछा थोड़ी बोलेंगे, ठीक है। आप देखते हैं, द फूलिश डिसाइपल, मूर्ख शिष्य, केम बैक यानी वापस लौटा आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स ऐसे पढ़ेंगे, यहां पे केवल आवर्स ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। आफ्टर यानी के बाद, अ कपल ऑफ आवर्स मतलब कुछ घंटों बाद, अ कपल भाई कपल यानी जोड़ी भी होता है, लेकिन जब हम बोलते हैं ना कुछ घंटों बाद, तो वहां पर भी हम अ कपल ऑफ का यूज करते, अ कपल ऑफ आवर्स मतलब कुछ घंटों के बाद, आफ्टर यानी के बाद लौटा, भाई रस्सी ढूंढने बोले थे, अब वो लौट गया, फिर क्या हुआ देखिए, ही हैंडेड आउट अ स्नेक टू हिज टीचर, ही हैंडेड आउट करने यानी दे देना, प्रदान कर देना, क्या प्रदान किया, क्या दे दिया, अ स्नेक एक सांप को, टू हिज टीचर अपने गुरु को, शिक्षक को, अपने गुरु को उसने क्या दे दिया भैया, एक सांप दे दिया। द टीचर वॉज वर्किंग, तो शिक्षक वॉज का यूज हुआ है, ठीक है, वॉज या वर्क के साथ कोई भी वर्ब में आईएनजी का फॉर्म यूज होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, टीचर वॉज वर्किंग यानी शिक्षक काम कर रहा था, वो काम कर रहे थे। सो ही टुक द स्नेक विदाउट लुकिंग, तो उसने टुक यानी लिया, टेक यानी लेना होता है, लेकिन पास्ट टेंस में टुक बोलते हैं, तो उसने ले लिया, किसे लिया, द स्नेक सांप को लिया, विदाउट लुकिंग, विदाउट यानी बिना, किसके बिना, लुकिंग यानी बिना देखे, बिना देखे ही सांप को ले लिया, रस्सी लाने बोला था, रस्सी लाया होगा। बट लेकिन ही इमीडिएटली, उसने ही यानी वह भी होता, उसने भी होता, उन्होंने भी होता, उसने क्या किया, इमीडिएटली यानी तुरंत, रियलाइज यानी एहसास होना, लेकिन उसे तुरंत एहसास हुआ, दैट यानी कि इट वॉज नॉट अ रोप, ये एक रस्सी नहीं थी, उसे रियलाइज हो गया, एहसास हो गया, भाई छूते ही समझ आ जाएगा ना, अरे ये तो रस्सी नहीं थी, उसे पता चल गया। ही वॉज सॉग्ड, वह क्या हो गया था, सॉग्ड हो गया यानी उसे झटका लग गया, हैरान हो गया, एकदम आश्चर्यचकित हो गया भाई, उसे झटका लग गया, टू सी द स्नेक सांप को देखकर, ठीक है भाई, शॉक लग जाना आप सभी को पता है, एंड इमीडिएटली और तुरंत सांप को देख के भैया उसका हालत खराब कर, तुरंत इमीडिएटली अभी बताया था, तुरंत थ्रू इट अवे, थ्रू थ्रो यानी फेंकना, पास्ट टेंस में थ्रो का थ्रू हो जाता है ना, फेंका इट अवे यानी उसे दूर, इट यानी यह भी, इसे भी होता है और पास्ट टेंस में उसे भी बोलते हैं, तो दोनों यूज होता है, इट अवे यानी उसे, अवे यानी होता है वहां से दूर फेंक देना, ठीक है, तो उसे क्या कर दिया, वहां से फेंक दिया, ऐसे बोलेंगे, थ्री इट अवे यानी उसे फेंक दिया, फार अवे यानी बहुत दूर होता है, और उसे फेंक दिया, दूर फेंक दिया भी बोल सकते हैं। ही स्क्रीम्ड, उसने स्क्रीम्ड यानी क्या होता है, चिल्लाया, स्क्रीम यानी चिल्लाना, स्क्रीम यानी चिल्लाया, उसने चिल्लाया, ठीक है, जस्ट बिकॉज यानी सिर्फ क्योंकि, ठीक है, आई टोल्ड यू मैंने कहा था, तो पूरा मतलब क्या होगा, मैंने तुम्हें कहा था सिर्फ इसलिए, या सिर्फ क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था, दैट अ स्नेक लुक्स लाइक अ रोप, कि एक सांप लुक्स लाइक आरोप यानी एक रस्सी के जैसे दिखता है, भैया मैंने तुम्हें सिर्फ ये कहा था कि एक सांप क्या है, रस्सी के जैसे दिखता है, तो सिर्फ तुमने उसके लिए क्या किया, यू ब्रॉट अ स्नेक, तुमने लाया, ब्रिंग यानी लाना, ब्रिंग का पास्ट टेंस ब्रॉट, तुमने क्या किया, लाया स्नेक, एक सांप ले आया, इंस्टेड ऑफ अ रोप, इंस्टेड यानी के बजाय, किसके बजाय, ऑफ अ रोप यानी एक रस्सी के बजाय तुमने सांप ले आया, क्योंकि मैंने तुम्हें भैया बताया था सिर्फ इसलिए, मैंने तो भैया तुम्हें एग्जाम्पल दिया था और तुमने क्या किया, उसे ही सांप समझ के, रस्सी को ही तुम सांप समझने लगे, इतने मूर्ख हो, और तुम क्या कर लिए, रस्सी के जगह एक सांप लेके आए, के जगह के बजाय तो हम इंस्टेड का यूज करते हैं। बस लास्ट लाइन देखते हैं, अलास, अलास मतलब बोलते ना हाय, हे राम, ऐसे मतलब हाय, तो हाय का आवाज निकाला, You will remain foolish always. You will, तुम रहोगे, गागी गे, remain याने बने रहना, You will remain याने तुम बने रहोगे या हमेशा रहोगे, तो remain का यूज करते हैं। Foolish, मूर्ख, always याने हमेशा, तुम हमेशा मूर्ख बने रहोगे या मूर्ख ही रहोगे, ऐसे बोल सकते हैं। तो भाई सीधी सी बात है,
अपना सर पटक लिया, सब चीज बता दिया, समझा लिया। लेकिन देखिए इन्हें क्या था, अब यहाँ पे दो चीज मोरल में आती है। एक तो ये कि भाई ये शिक्षक को क्या था, अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था। सीधी सी बात है, बोले कि मैं इसे सिखा के ही रहूंगा, मैं सिखा दूंगा, और लास्ट में ही बोल रहे हैं कि भाई तुम हमेशा मूर्ख बने रहोगे, तुम विद्वान या शिक्षित नहीं बन सकते। तो कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए, आप कितने भी ज्ञानी हो अपने ज्ञान पे कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए। केवल शिक्षक वाली बात नहीं है, आपकी कोई भी क्वालिटी है, बोलने की क्वालिटी है, कुछ अच्छा काम करने की क्वालिटी है, अच्छे आदमी हो आप, मैकेनिक हो, कोई भी काम अच्छे से करते हो अपने काम पे, आपको गर्व होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। गर्व यानी आपको प्राउड है उसमें, लेकिन घमंड ईगो वो दोनों चीज अलग होती है। घमंड यानी तो आपसे बढ़कर कोई ही नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस वो घमंड हो गया। तो आपको घमंड नहीं होनी चाहिए अपने काम में, अच्छा करते हो अच्छी बात है, सबको पता है अच्छा करते हो, तो जताना नहीं चाहिए बार बार। और घमंड करोगे तो जैसे इन्होंने घमंड किया, घमंड हो गया चूर चूर। दूसरी चीज ये कि इस शिष्य ने क्या किया, अभी शिक्षक जब कुछ समझा रहे तो ध्यान से सुनना चाहिए, उसने सीखने की मतलब कोई जिज्ञासा ही नहीं थी, इसलिए वो मूर्ख था और आगे भी इसने मूर्ख ही बना रहा। क्योंकि यदि वो शिक्षक की बात को अच्छे से गांठ बांधता, समझता, तो ऐसी मूर्खता नहीं करता और वो भी बाद में विद्वान बन सकता था। इसलिए कहते हैं बड़ों की, गुरु की, सबकी बात को ध्यान से सुनो और अच्छी बातों को हमेशा आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो ये थी आज की क्लास, ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और क्या क्या क्लासेस चाहिए नीचे कमेंट कर देंगे, किस टाइम में मुझे अपलोड करना चाहिए ये भी कमेंट कर देंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीनशॉट इसका फेसबुक पेज में मिल जाएगा, इसके अलावा कम्युनिटी में भी मिल जाएगा। और यदि आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल को प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।